हिमाचल कांग्रेस में मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के बीच जारी जुबानी जंग को लेकर जहां कांग्रेस आलाकमान गंभीर हो चुका है, तो वहीं विपक्ष इस पर चुटकी लेता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर इसे लेकर कांग्रेस को निशाने पर ले रहे हैं। हापुर से बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने एक बार फिर हिमाचल कांग्रेस के दुखती रग पर हाथ रखने का काम किया है। ठाकुर का कहना है कि हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के बीच ठन चुकी है, यही वजह है कि आपसी खींचतान का मसला दिल्ली दरबार जा पहुंचा है। अनुराग ठाकुर ने फिर दोहराया है कि कांग्रेस के कई नेता बीजेपी के संपर्क में है। देखिए, कांग्रेस की हालत ये है कि मुख्यमंत्री जी और उनके अध्यक्ष में जो लड़ाई है वो दिल्ली के दरबार तक पहुंची है। दोनों में जो ठनी है उसी का एक बड़ा कारण है कि कांग्रेस चुनाव से भाग रही। इनके एसोसिएट विधायकों ने छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करनी शुरू कर दी। एक लंबी लिस्ट हमने कांग्रेस नेताओं की तैयार की है। हम उचित प्लेटफॉर्म का इंतजार कर रहे हैं, समय आने पर उनकी ज्वाइनिंग का एक बड़ा प्रोसेस हिमाचल प्रदेश में शुरुआत हो जाए। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी सांसद 60 सीटें जीतने का दावा कर रहे थे कि तभी उनकी जुबान फिसल गई और उन्होंने जो कहा वो आप खुद सुन लीजिए। बाकी 60 भाजपा 8, बाकी 8 भाजपा 60। आपको बता दें कि हिमाचल बीजेपी ने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पहले मिशन 50 का लक्ष्य रखा था, जिसे बाद में रिवाइज कर मिशन 60 में तब्दील किया गया है। शिमला से ललित शर्मा, जी मीडिया।